हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम किचन। आज हम तैयार करेंगे कच्चे आम के मुरब्बे, जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं कच्चे आम। ये मैंने 1 kg आम लिया हुआ है और इसे अच्छी तरह से धो के सुखा दिया था और इसे छील लिया है, इसे छिलके हटा दिए हैं मैंने। और इसे हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये 1 kg आम को मैंने कद्दूकस कर लिया है। साथ में मैंने इसी क्वांटिटी में चीनी ली है, इसमें थोड़ा सा लिया है घी, 5 फोरन, कूटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी मिर्च और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी लेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। और कढ़ाई जैसे गर्म होती है तो हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 फोरन। अगर आपके पास 5 फोरन ना हो तो आप थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा, कलौंजी, अजवाइन और थोड़े से सरसों के दाने ऐड कर लें। और मेथी इसमें सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। मेरे पास ये मार्केट का बना हुआ 5 फोरन था, तो इस तरह से 5 फोरन को डाल दिया हमने। और इसके बाद हम इसमें ये कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम डालेंगे और इसका पानी सुखाएंगे। तो मेरे पास ये मार्केट में बना हुआ 5 फोरन था, मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ की क्वांटिटी और बढ़ा ली है क्योंकि इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो 5 फोरन जैसे ही थोड़ा सा लाल हो जाता है, हम इस तरह से आम को इसमें डाल के इसका पानी सुखा लेंगे। और जब पानी सूख जाता है तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 kg कच्चा आम लिया था तो मैंने 1/2 kg से थोड़े से ज़्यादा चीनी ऐड की है इसमें। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लास्ट में आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लें। अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा हो जाएगी तभी ये टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और इसमें हम 1/2 tablespoon से कम से थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, इसे भी 1/2 tablespoon से थोड़ा सा कम ही डाल रहे हैं। और थोड़ी सी बिल्कुल 1 pinch हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, जो हल्दी से कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल रहे हैं कलर के लिए। इसमें थोड़ा सा तीखा फ्लेवर भी आएगा इससे। और हल्दी और कश्मीरी मिर्च मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड किया है, और कूटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा तीखा बन के लिए डाला है, इससे इसे खट्टा मीठा और तीखा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह हम इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर तक इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। अब हम जब तक ये तैयार होता है ले लेते हैं थोड़ी सी इलायची। मैंने 7 से 8 इलायची के दाने ले लिए हैं और इसे इस तरह से कूट लेंगे। और ये देखिए 5 से 7 मिनट तक, बस 5 से 7 मिनट में ये हमारा मुरब्बा रेडी हो जाता है। ये देखिए, अब इसमें हम इलायची को ऐड करेंगे और हम इसे बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देंगे। अगर आप इसे ज़्यादा सुखा देंगे इसका चीनी तो फिर ये बाद में हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये और गाढ़ा होता है। तो हम इसे इतने पे ही बंद कर रहे हैं, आप देख लीजिए इसे। तो मैं इतने लिक्विड फॉर्म में इसे बंद कर रही हूँ, ये ठंडा होने के बाद और भी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एक बार हार्ड हो जाएगा तो आप बाद में इसे फिर और ढीला नहीं कर सकते। तो ये देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया। तो आप इसे रोटी पराठे किसी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में भी ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।